नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण लाल यादव और आज हमारे स्टूडियो में आया हुआ है एक और बच्चा सिंगर। आइए आज जानते हैं इसके बारे में, कहां से है, क्या करता है और कैसा गाता है, आप लोग से रूबरू करवाएंगे इससे। सिंगिंग करने के लिए आया है यहां, तो पहले इस बच्चे को देखेंगे कि कैसा गाता है। पहले तो जानते हैं आपका क्या नाम है बाबू। हमारा नाम अरमान बाबू। अरमान बाबू कहाँ से हो? ककरियाड़ी से, सिवान। कहाँ? सिवान से हम। सिवान, सिवान, सिवान में कहाँ घर है? सिवान में मेरा के उधर दंदरौली है, उधर में मेरा घर है। अच्छा, जोर से बोलो, पब्लिक को सुनाई नहीं पड़ता है। कौन क्लास में पढ़ते हो? हम फोर क्लास में पढ़ते हैं। फोर क्लास? यस। तो और गाना कब से गा रहा है? गाना तो मैं बचपन से गाता हूँ, मगर अभी भी तो बच्चा है, तुम बूढ़ा थोड़े हो। एल्बम तो फिर हमारे बारे में कैसे तुमको मतलब पता चला? हम यूट्यूब पे आपको देखे। अच्छा अच्छा। तो बोले कि करण भैया के स्टूडियो में चलते हैं हम लोग भी। अच्छा अच्छा अच्छा, जो तो गाता है सिंगिंग अभी, मतलब कुछ जो हमारे पब्लिक लोग देख रहे हैं तो कुछ सुनना चाहेंगे तुमसे, तो थोड़ा सुनाओगे तब ना उन लोग जवाब देंगे कि कैसा गाता है। हाँ, तो कोई गाना है वो सुनाओ। अच्छा, तुम ये पहले बताओ कितना भाई बहन हो तुम? हम तीन भाई और दो बहन हैं। अच्छा अच्छा, सब लोग पढ़ते हैं? यस। पापा क्या करते हैं? पापा ब्यूटी पार्लर, जेंट्स ब्यूटी पार्लर चलाते हैं। अच्छा, मतलब सैलून ना? हाँ। अच्छा, वही सिवान में? यस। चलो ठीक है, कोई पब्लिक का एक गाना सुनाओ, सुनना चाहते हैं कोई? पहले वो भोजपुरी सुनाओ, तुम सिवान में बहुत भोजपुरी चलता है। यस ठीक है। कोई भी गाना जो आता है तुमको फोन के सुनाते हैं। हाँ, सेट सॉन्ग सुनाओ। कैसे कि तोहरा के हम भूल पाए, कैसे कि तोहरा के हम भूल पाए, तू नहीं मिला बूता हम मर जाए, तू नहीं मिला बूता हम मर जाए, देख के देख न पाई तोहरी सगाई, देख के देख न पाई तोहरी सगाई, तू नहीं मिला बूता हम मर जाई, तू नहीं मिला बूता हम मर जाई। 1 2 3 जाता रू तो गिल ओढ़नी में ले ले जा, जाता रू तो गिल ओढ़नी में ले ले जा, सारा दुख गम हो, सारा दुख गम रहने अपन हम के दे ले जा, जाता रू तो गिल ओढ़नी में ले ले जा, जाता रू तो गिल ओढ़नी में ले ले जा। और कोई गाना आता है? हाँ आता है। कौन सा? और एक सेट संग भी है, ऑर्केस्ट्रा संग भी है। ऑर्केस्ट्रा में तुम गा लिया गाना? ऑर्केस्ट्रा का। तो सेट संग कौन और है? आता है सेट संग रितेश पांडे का। गाओ तो। कहाँ से ले आई दिल के दवाई, कहाँ से ले आई दिल के से जुदाई, दिल के नाच
समझ नहीं हवे कोई सुने ये बात जिंदगी के खेला कि मर के भी करब हम प्यार न जिए दी याद तोहार दिल के ना चैन मिलेला छोड़ी गईलो हम के केला कुछ समझ नहीं हवे कोई सुने ये बात जिंदगी के खेला कि मर के भी हम के भौजी कही हो आधा कमांगे हो हम के भौजी कहे हो आधा कमांगे हो हम तोहर देवर हो मजले लो सटा के कामर हो डर लगे हमारा बनी रौरा बहारा दे तवे देवरा साजा उठ लोलिया चूसता राजा इके वड़िया ठोकता राजा। चलो आजा 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 आओ बाहर तो आप सबने देखा कि अरमान बाबू ने कैसे गाए गाना और आप लोग वोट कीजिए कि इसका आवाज़ इसका गाना कैसा लगा क्या ये सिंगिंग में आगे बढ़ सकता है आप लोग ही जजमेंट करके कमेंट करके बताइए और मुझे तो अच्छा लगा ये लड़का आगे निकल सकता है जहाँ तक मेरा अंदाज है अगर मेहनत करे तो क्योंकि बहुत ही उतार चढ़ाव देखे कि उतार चढ़ाव का जो स्टाइल है वो भी ले लेता है और कुछ कुछ मुर्कियाँ भी दिखाई सिंगिंग में इन्होंने तो आप लोग से यही निवेदन है आप लोग अभी देख रहे हैं हम लोग को BFTS म्यूजिक और ये भोजपुरी फिल्म ताज़ा समाचार पे तो आप लोग से यही निवेदन करते हैं कि इस लड़के ये लड़का गाना बना रहा है इसका जल्द ही सैड सॉन्ग आने वाला है भोजपुरी फिल्म ताज़ा समाचार पे और BFTS म्यूजिक पे तो आप लोग इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये गाना जैसे ही आवे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और एक रिक्वेस्ट आप लोग से ये करना चाहते हैं कि आप लोग इस बच्चे को भी आगे बढ़ाइए जैसे छोटू बाबू लाल बाबू को आप लोग आशीर्वाद दिए हैं और ये अरमान बाबू को भी उसी तरह आप लोग प्यार दीजिए ताकि आगे बढ़े क्योंकि मेहनत करने वालों को सपोर्ट करना बहुत ही खुशी मिलता है सपोर्ट करने में जो मेहनत करता है और अगर आपके पास भी टैलेंट है तो आप भी आइए मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ बहुत लोग कॉमेंट में ये भी पूछते रहते हैं कि BFTS म्यूजिक कहाँ है तो आपको भुलाने की ज़रूरत नहीं है आप पटना जंक्शन आ जाइएगा और कॉल कर लीजिएगा मुझे ये जो नंबर चल रहा है आप देख रहे हैं यूट्यूब पे इस पर आप कॉल कर लीजिएगा और कॉल करके पटना जंक्शन आइएगा और वहाँ से रिसीव कर लिया जाएगा आपको बगल में ही है पटना जंक्शन का तो ऐसे ही BFTS म्यूजिक के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए अपने भाई करण लाल यादव पर बनाए रखिए ताकि ऐसे ही लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ और आप लोग सबसे बड़े हम लोग हमसे बढ़कर आप हैं क्योंकि आप लोग का बिना आप लोग के सपोर्ट के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है तो आप लोग से यही निवेदन करते हैं कि इस बच्चे को भी दिल से सपोर्ट कीजिए क्योंकि इसके अंदर टैलेंट है कि आगे निकल सकता बहुत ही गरीब घर का लड़का है तो आइए थोड़ा सा ये भी कुछ कहना चाहता है भैया हम सिंगर
अरमान बाबू रघु सबके हम नमस्कार करता नहीं। और भैया हम यहाँ BFTS म्यूजिक में आयल बानी भैया। और हमारे करण भैया रघु सबके बताई नहीं है भैया। और हमके रघु सब प्यार दुलार देम कैस की रघु सबके प्यार दुलार बिना हम आगे ना बढ़ सकनी भैया। और सुनले बानी की लाल बाबू यहाँ से गाँव उतर नहीं हो भैया। लाल बाबू देखनी है रघुआ सब, लाल बाबू की देखनी है। वैसे ही रघुआ सब दुआ प्यार देखिए हम चमक जाए। धन्यवाद भैया। तो आप सबने देखा कि ये बच्चा अरमान बाबू कैसा गा रहा है। तो आप लोग इसी तरह सभी सिंगरों को सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल से, जो भी सिंगर गाता है। अभी देखे होंगे लगातार कुछ कुछ सिंगर, अजूबा अजूबा सिंगर आते रहते हैं हमारे स्टूडियो में। और अगर आपके पास भी टैलेंट है, आपके बच्चे के पास भी टैलेंट है, तो आप हमारे स्टूडियो में आइए। जहाँ तक होगा मैं ज़रूर आप लोग को सपोर्ट करूँगा। BFTS म्यूजिक पटना, और मैं हूँ करण लाल यादव। और ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी कुछ ऐसे लाचार लोगों को मदद कर सकूँ। आप लोग के सहारे ही, आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए करण लाल यादव के ऊपर, BFTS म्यूजिक और भोजपुरी फिल्म ताज़ा समाचार के ऊपर। धन्यवाद।